हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट के चलते सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में फंसे हुए प्रवासी। प्रवासियों को उनकी घर वापसी में बड़ी भूमिका निभा रही है रेलवे। लेकिन हो क्या रहा है, भीषण गर्मी में 15 से 20 घंटे ट्रेन लेट हो रही है। ट्रेनों से यात्री बेहाल हो गए हैं और अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान। विकास, सोचना समझना मुश्किल है, 15 से 20 घंटे अगर ट्रेनें लेट होंगी, खचाखच भरी होंगी, लोग अपने परिवारों के साथ होंगे, क्या हालत होती होगी प्रवासियों की। यात्रियों की मुश्किलें कम करने के बजाय रेलवे ने सफर से अपनी मुश्किल और यात्रियों के लिए मुश्किल और बढ़ा दी है। यूपी के गोरखपुर स्टेशन पर उतरे ये है अमित कुमार। अमित कुमार गोरखपुर के पचौरी गांव के रहने वाले हैं। 10 साल से दिल्ली में मार्बल का काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन ने उन्हें गांव लौटने को मजबूर कर दिया है। लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से रवाना हुए अमित की ट्रेन सुबह के बजाय शाम को गोरखपुर पहुंची। पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने गांव जा रहे अमित के परिवार को 40 डिग्री के ऊपर पहुंचे गर्मी के पारे से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 5 बजे पहुंचना था, यहाँ पहुंची है 3 बजे पहुंची है करीब। सुबह 5 बजे पहुंचना था लखनऊ तक, तो सही चली है गाड़ी। लखनऊ के बाद एकदम पैसेंजर हो गई है, कहीं 2 घंटे रुक गई, कहीं 1 घंटे रुक गई। परेशानी तो बहुत हुआ, रास्ते में पानी होने की भी दिक्कत है। सुबह आनी थी, 3 बज गए, काफी दिक्कत हुई रास्ते में। रास्ते में कोई परेशानी हुई आपको? हाँ, बच्चे भी थे, फिर पानी होने की भी हर एक दिक्कत हुई। अमूमन इसी तरह की परेशानियां दूसरे प्रवासियों को भी उठानी पड़ रही है। मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गोरखपुर के रहने वाले राजू गुप्ता परिवार के साथ स्टेशन पहुंचे। मुंबई में कारपेंटर का काम करने वाले राजू को ट्रेन से 36 घंटे का सफर पूरा करने में 54 घंटे लग गए। 2 दिन के बजाय 4 दिन के सफर में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 22 को चला हूँ, अभी 24 है आज ना, आज पहुँचा हूँ। वो गोंडा स्टेशन में तकरीबन 2 बजे रात को। हाँ, वहाँ से प्रशासन ने हमें बस का व्यवस्था किया है। दिक्कत तो वही बहुत है, पानी की सब कुछ का दिक्कत है। ये तो बस उदाहरण है, ऐसे हजारों प्रवासी ट्रेनों के लेट होने से भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं। इस मामले में रेलवे का कहना है कि प्रवासियों के घर लौटने के लिए चलाई गई ट्रेनों में सबसे ज्यादा दबाव यूपी बिहार जाने वाली लाइनों पर आ गया है। रेलवे के मुताबिक 25 मई तक 3,060 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। ट्रेनों के लेट होने पर रेलवे का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर उतरे प्रवासियों की जांच आदि के प्रोटोकॉल पूरा करने में वक्त लगता है, इसलिए ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर क्लियरेंस मिलने में देरी होती है। रेलवे का कहना है कि इस बारे में राज्य सरकार से बात कर इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना संकट के इस दौर में रेलवे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों पर भी अगर ध्यान दे दिया जाए तो पहले से परेशान प्रवासियों की दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी।